ऐसा है कि लोकतंत्र में गणित रहता है और उस गणित में बहुत मार्जिन के ऊपर जब सीट होती है तो उस समय कुछ भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, क्योंकि उनके एक विधायक ने और जो वोट है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से उन्होंने कहा सब बढ़िया कहा, उन्होंने मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुए जो भी हुए उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कार्तिक शर्मा है उनको वोट डाला, एक वोट का उनका कैंसिल हुआ, कैंसिल किसका हुआ ये हम तो नहीं बता सकते, कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन उस गणित में कुल मिलाकर के बहुत मार्जिन से हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका तो बीजेपी के कैंडिडेट कृष्ण कुमार का जितना सुनिश्चित था, लेकिन मुकाबला जो था वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट उसमें बहुत थोड़े मार्जिन से, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनको हमने सपोर्ट किया था कार्तिक शर्मा वो जीत गए हैं। मनोबल गिर गया कांग्रेस का बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल मनोबल गिर गया इस घटना की बात, बिल्कुल हार में तो मनोबल गिरना ही चाहिए। सर केजरीवाल ने हरियाणा से पानी मांगा है इंसानियत के नाते, थोड़ा पानी और दे दे हमारा गुजारा हो जाएगा तो क्या कहेंगे? देखिए जितना पानी हमारा तय है पूरा पानी देते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है, और जितना उसको बराबर दे रहे हैं, अब वो पानी अपना उपयोग जो है इधर से उधर कहीं करेंगे तो उसका तो हमारे पास इलाज नहीं है। जो दोनों सरोवर हैं जो दोनों क्या है हैदरपुर और दूसरा जो बैराज है, दोनों बैराज होने की जो बात आती है वो पूरे का पूरा भरते हैं, उस पानी को हमारा एक जगह लेकर के आएंगे तो भरेगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हमारे पास पानी जो अगर स्पेयर होता है तब तो सहायता की बात है। अब गर्मियों के दिनों में तो पानी हमें भी बहुत आवश्यकता रहती है, हर एक स्थान के ऊपर पीने के पानी की कमी पहुँचाना आवश्यक लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि 5-6 दिन में ये समस्याएँ ठीक हो जाएगी, मानसून आने